2019 लोकसभा चुनाव अगले साल है, जिसको लेकर जहां राजनीतिक दलों में कसमकस दिखाई दे रहा है, वहीं निर्वाचन आयोग की सक्रियता बढ़ गई है, जिसमें जिले में चुनाव के दौरान नई वोटिंग मशीन M3 मॉडल की प्राप्त हुई है, जिसमें जिले में बैलेट यूनिट लगभग 5000 और कंट्रोल यूनिट 3000 दिया गया है। हालांकि राजनीतिक दल, मीडिया व प्रशासनिक अधिकारियों के सामने M3 मॉडल की वोटिंग मशीन के परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल नई वोटिंग मशीन को AVM गोदाम में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। इस मामले में जिला अधिकारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिल्कुल नई EVM भारत इलेक्ट्रॉनिक बेंगलोर से हमें प्राप्त कराया गया है, जिसकी अभी चेकिंग होना बाकी है। इसके आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इंजीनियर्स के माध्यम से वोटिंग मशीन का परीक्षण किया जाएगा। ये नई AVM है, पहले शिकायत प्राप्त होती थी तो इसमें काफी दूर किया गया। इसमें राजनीतिक दल, मीडिया और इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, उनके उपस्थिति में परीक्षण किया जाएगा। जिले में लगभग 5000 बैलेट यूनिट और 3000 कंट्रोल यूनिट दिया गया है। अभी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिल्कुल नई EVM BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेंगलुरु से हमें प्राप्त कराए हैं, जिसका अभी फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू होना है। इसके लिए आवश्यक सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के यहाँ से हमें प्राप्त हो गई है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चुनाव, वो इंजीनियर्स आएंगे, उनके माध्यम से फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जाएगा और उसमें जो भी निर्देश है भारत निर्वाचन आयोग का, उसका अक्षरक्ष पालन होगा। ये हमें ये नया EVM है, तो पहले जो शिकायतें प्राप्त होती थी उसको काफ़ी इसमें दूर किया गया है। और आप राजनीतिक दल, मीडिया और इसमें चुनाव से जुड़े हुए सारे कर्मचारियों के उपस्थिति में ये FLC की काम होगा। एग्जैक्ट संख्या बैलेट यूनिट लगभग 5000 है और कंट्रोल यूनिट लगभग 3000 है। We'll be right back.